दोस्तों, आप सबने तबरेज अंसारी के केस के बारे में सुना तो होगा। झारखंड के सरायकला इलाके में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी कुछ दिन पहले, और इस चीज़ को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। सब लोग चाहते हैं कि तबरेज अंसारी के जो गुनाहगार हैं उनको कड़ी सजा मिले। और दोस्तों, मेरा भी ये मानना है कि तबरेज अंसारी के जो गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी तबरेज अंसारी के केस को लेकर दुखी है और आप भी चाहते हैं कि तबरेज अंसारी के गुनाहगार कोई भी हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों में से कितना लोग ये चाहते हैं कि तबरेज अंसारी के गुनाहगार को जल्द से जल्द सजा मिले। तो दोस्तों, तबरेज अंसारी को लेकर पूरे देश में लोगों का गुस्सा जो है वो सर चढ़ कर बोला है। सब लोग चाहते हैं कि तबरेज अंसारी के जो गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। इसी कड़ी में दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपना बयान जो है वो दे दिया है। इमरान खान ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि तबरेज अंसारी के गुनाहगार को भारत की तरफ से जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तबरेज अंसारी के मौत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस मामले को लेकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है इमरान खान ने। इमरान खान का ये कहना है कि मौत मौत होती है, चाहे वो किसी की भी हो, और किसी को भी मारना ये सही बात नहीं है, और जिन्होंने भी ये कांड किया है इन सबको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में और इमरान खान के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज आप सबके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे सबसे पहले। तो मिलता हूं दोस्तों आप सबसे अगले वीडियो में।